नए यूनिट का नाम है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी ये सबसे इजी पोर्शन है इस चैप्टर में, फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी वर्ड शायद आपने पहले सुन रखा होगा, है ना। हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में भी वैसे पढ़ा था कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। तो याद है किसी को फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है ना, बिल्कुल सही, राइट। और अभी हमने पिछले यूनिट में वो भी पढ़ा था, बजट, है ना। तो बस वही लिंक है इसमें कि सरकार जो बजट बनाती है ना, तो सरकार अपने बजट में अपने एक्सपेंडिचर लिखती है, रेवेन्यू लिखती है। तो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज की पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी भी कह देते हैं सरकार की। तो सरकार की ही पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी नाम दे दिया बेसिकली, ठीक है। चलो तो आप सबसे पहले ऐसे लिखना, पॉइंट नंबर वन, इंट्रोडक्शन। तो पहले कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें लिखते हैं, फिर धीरे धीरे चैप्टर में आपको सिखाऊंगा। इसमें मेरे को बस मेन चीज़ ये सिखानी है कि सरकार की दो पॉलिसियाँ होती हैं, मतलब फिस्कल पॉलिसी के अंदर सरकार की दो टेक्निक्स होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करना होता है मेनली, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखो सबसे पहले फर्स्ट एरो डाल के, बजटरी पॉलिसी कुड बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू पब्लिक रेवेन्यू इंक्लूडिंग टैक्सेशन कॉमा पब्लिक एक्सपेंडिचर कॉमा पब्लिक डेट एंड फाइनली डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड फाइनली डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो बजटरी पॉलिसी कुड बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू को आप अंडरलाइन करके इस पे वन बना लेना, इंक्लूडिंग टैक्सेशन कॉमा पब्लिक एक्सपेंडिचर इस पे टू बना लेना कॉमा पब्लिक डेट इस पर थ्री बना लेना एंड फाइनली डेफिसिट फाइनेंसिंग इस पे फोर बना लेना। तो सरकार की जो बजटरी पॉलिसी होती है, जो सरकार का बजट होता है, उनमें बेसिकली चार बातें होती हैं बस, मेन उनमें चार मेन बातें होती हैं। एक हो गया पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब हिंदी में लिख लो अगर आपको अपने बेसिक समझने के लिए लिखना है कि भाई सरकार का रेवेन्यू, कि सरकार को रेवेन्यू कहाँ से आएगा, सरकार की इनकम कहाँ से होगी, है ना। ये मतलब हो गया कि सरकार का इनकम या रेवेन्यू क्या है। तो ये आपने पिछले यूनिट में पढ़ा था, है ना चौहान साहब। तो बताओ सरकार का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से होता है? टैक्स से होता है मेन। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी पढ़े थे आपने, है ना, पीएसयू की प्रॉफिट, मतलब बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं। तो इस पॉइंट का मतलब है सरकार का रेवेन्यू। अच्छा, फिर कॉमा पब्लिक एक्सपेंडिचर नंबर टू, उसका क्या मतलब है फिर? वेरी गुड, गवर्नमेंट का खर्चा। ये भी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो इसीलिए मुझे इसकी भी टेंशन नहीं है, है ना। पब्लिक एक्सपेंडिचर आपने पिछले यूनिट में ही पढ़ा है, सरकार का खर्चा होता है। उसमें आपने ये भी देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो तरह के खर्चे। कॉमा पब्लिक डेट, पब्लिक डेट याद करो, ये भी पिछले यूनिट में सिखाया है। पब्लिक डेट किसको बोलते थे? हाँ, मतलब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, जिसमें आपने पढ़ा था ना इंटरनल एक्सटर्नल ये सब चीज़ें। तो ये भी बजटरी पॉलिसी हो गई। और फाइनली होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, डेफिसिट को पूरा करने के लिए, मतलब जैसे सरकार के बजट में आपने डेफिसिट पढ़ा था ना, याद है,
तो सरकार को अपना डेफिसिट की भरपाई करनी पड़ती है, सरकार को अपने डेफिसिट का मतलब जो कमी है पैसों की वो पूरी करनी पड़ती है। तो या तो बोरो करती है या वो आरबीआई को बोलती है कि एक्स्ट्रा करेंसी नोट्स छाप दो, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि डेफिसिट की भरपाई। ऐसे लिख देता हूँ सिंपल समझने के लिए कि बजट डेफिसिट की भरपाई, कि बजट में जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए। तो ये बेसिकली बजटरी पॉलिसी में चार हथकंडे हो गए, जो आपने वैसे सारे ही पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं पिछले यूनिट में। सेकंड एरो, फिस्कल पॉलिसी इज द डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी इज द डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच इट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ, के बाद डैश डाल लेना, फिर नीचे पहली बिंदी डाल के टैक्सेशन, दूसरी बिंदी डाल के पब्लिक एक्सपेंडिचर, और तीसरी बिंदी डाल के पब्लिक बोरोइंग्स। तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो एक तरह से सरकार की ही पॉलिसी है, डेलिब्रेट पॉलिसी है, मतलब सरकार जानबूझ के करती है, जिसमें वो तीन चीज़ों का मेनली इस्तेमाल करती है, तीन इंस्ट्रूमेंट्स का मेनली इस्तेमाल करती है। एक हो गया टैक्सेशन, एक हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर, और एक हो गया पब्लिक बोरोइंग। तो टैक्सेशन का मतलब हो गया क्या, जो आपने अभी ऊपर पहला पॉइंट पढ़ा था, सरकार का रेवेन्यू, बिल्कुल सही। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया सरकार का खर्चा, और पब्लिक बोरिंग का मतलब हो गया सरकार की बोरिंग। तो सरकार इन तीन चीज़ों से ही अपनी फिस्कल पॉलिसी, मतलब जो भी उसको करनी है वो करती है। तो इस को फिस्कल पॉलिसी की तरह आप समझ सकते हो कि सरकार इन तीन हथकंडों से कुछ करेगी, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी कहेंगे। अब क्या करेगी वो तो हम चैप्टर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगली इंट्रोडक्शन लिखते हैं पॉइंट नेक्स्ट एरो की, फिस्कल पॉलिसी इज इन द नेचर ऑफ डिमांड साइड पॉलिसी। डिमांड साइड पॉलिसी को आप हाईलाइट कर लेना, ये वन नंबर का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि फिस्कल पॉलिसी का नेचर किस साइड का है। तो इकोनॉमिक्स में दो साइड्स माने जाते हैं, बताओ क्या क्या, डिमांड साइड और सप्लाई साइड, है ना। इकोनॉमिक्स में दो साइड्स होते हैं, एक होता है डिमांड साइड, एक सप्लाई साइड। तो डिमांड साइड मतलब हो गया ग्राहक के नज़रिए से, कंज्यूमर के नज़रिए से, और सप्लाई साइड हो गया प्रोड्यूसर के नज़रिए से। तो जो फिस्कल पॉलिसी है उसका नज़रिया माना जाता है वो डिमांड साइड से, मतलब वो कंज्यूमर्स को प्रभावित करेगी, या कंज्यूमर्स के हिसाब से उसका प्रभाव पड़ेगा, या कंज्यूमर्स के एंगल से मतलब वो पॉलिसी इफ़ेक्ट करेगी। तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो उसका नेचर डिमांड साइड पॉलिसी माना जाता है। जैसे अगर टैक्स सरकार ने बढ़ाया तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, मान लो आप पे सरकार ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी ना। तो फिस्कल पॉलिसी का नेचर जो है वो एक डिमांड साइड पॉलिसी का रहता है। उसके बाद फोर्थ एरो, लास्ट एरो, मतलब इंट्रोडक्शन में, फिस्कल पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी मत लिखना, एन इकोनॉमी विच इज प्रोड्यूसिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डज नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट एक्शन इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इन द फॉर्म ऑफ
फिस्कल पॉलिसी। तो एक इकोनॉमी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर काम कर रही है उसे सरकार के एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में ट्रू फॉल्स के अंदर। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप याद करो पुरानी बातें भी, कीन्स की बात भी याद करो, तो कीन्स ने भी ये एज्यूम करा था कि इकोनॉमी जनरली यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट पर काम नहीं करती है ना। तो ये पॉइंट उसी को नेगेटिव लैंग्वेज में कह रहा है कि अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होगी, है ना, अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होगी तो फिर तो फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कह रहा है। तो ऐसा कभी वैसे होता नहीं है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर चल रही है। जैसे हमारे देश का आप एग्जाम्पल लो तो क्या हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर चलते हैं? नहीं चल रहे, हम तो बहुत अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर चल रहे हैं, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं ना। तो जनरली इकोनॉमियाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं होती और इसीलिए सरकार को फिस्कल पॉलिसी का एक्शन लेना पड़ता है। तो ये लाइन उसी चीज़ को मतलब नेगेटिव तरह से कह रहा है कि अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होगी तो फिर गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि ऐसे वैसे नहीं होता प्रैक्टिकली। ठीक है, तो समझ गए मेनली मोटा मोटी कि फिस्कल पॉलिसी क्या होगी। तो ये सब मतलब टूल्स हैं, सरकार कुछ करेगी। अब पॉइंट नंबर टू, ऑब्जेक्टिव्स। कि सर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सरकार को क्या दिमाग खराब हो गया अचानक से कि जो सरकार को सपने आ रहे हैं कि चलो भाई कुछ करना है? तो आखिर फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सर? आखिर क्यों करती है सरकार ये? तो आप इसके चार ऑब्जेक्टिव्स लिख लो मोटे मोटे कि भाई सरकार आखिर ये क्यों कर रही है फिस्कल पॉलिसी। तो फर्स्ट एरो डाल के लिख लो अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। पहला तो वही कि सरकार चाहती है हम फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच जाएं, हम फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लें। तो अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सरकार का ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी को आप बादल बना लेना। सरकार का दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई प्राइस जो है वो स्टेबल रहे, और ये आपने ऑब्जेक्टिव्स पहले भी सुन रखे हैं। तो सरकार का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्राइस जो है वो स्टेबल रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगाई या बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन ना हो जाए, तो ये भी इसीलिए फिस्कल पॉलिसी बनाती है। तीसरा, एक्सीलरेशन ऑफ द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज़ी से हो देश की, देश का विकास तेज़ी से हो, इसीलिए सरकार फिस्कल पॉलिसी लेकर आती है समय समय पर। तो एक्सीलरेशन मतलब रफ्तार ऑफ द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़े, ये भी सरकार का ऑब्जेक्टिव होता है। और चौथा, ये भी शायद आपने पहले पढ़ रखा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सरकार चाहती है कि भाई जो इनकम और वेल्थ है वो अमीर और गरीब के बीच में ज़्यादा भेदभाव ना हो, तो इसमें आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को बादल बना लेना। तो जो बादल आपने दो बनाए हैं ये बातें आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो ऑब्जेक्टिव्स में, है ना। तो सिंपल है चारों पॉइंट बेसिक कि भाई फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, रफ्तार बढ़ाना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एक्सीलरेशन रखना, और इनकम और वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना, यानी कि अमीर गरीब में भेदभाव ना होना। बाकी इसमें एक स्टार पॉइंट लिख लो, वैसे एक छोटा सा फॉर्मूला है, वैसे आपने पहले भी लिख रखा है, GDP इज इक्वल टू, अब नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड याद है, चार एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते हैं, क्या क्या, C प्लस, और कौन सा एक्सपेंडिचर था,
गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था प्लस और कौन सा एक्सपेंडिचर था, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था, है ना। तो सी प्लस आई प्लस जी और प्लस, हाँ वो तो हो गया नेट एक्सपोर्ट्स, राइट, एन एक्स शॉर्ट में। तो ये दोबारा से आप लिख सकते हो, तो मतलब ये इस कंटेक्स्ट में बताया गया है कि बेसिकली यहाँ पर जो जीडीपी है वो हमारे सारे खर्चे हैं, ये जो खर्चे हैं देश के, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड्स का खर्चा, दोबारा से रिपीट याद दिलवाने के लिए लिख रहा हूँ बस, है ना। प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर कहते थे। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश का खर्चा, ठीक है। और जी मतलब क्या, तो इस चैप्टर में तो हम जी पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं ना, जी का मतलब हो गया सरकार का खर्चा, हाँ। और एनएक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट्स, वो आपको पता ही है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये बेसिकली मतलब एक मिसलीनियस पॉइंट था कि भाई यहाँ पर हम सरकार के खर्चे की बात कर रहे हैं, तो खर्चे जो हैं देश में चार हो रहे हैं, जीडीपी का फॉर्मूला है जो पहले पढ़ा था। तो क्लियर हो गया, चलो। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे लिए सबसे मेन है, थर्ड पॉइंट का नाम है टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो इसको आप बड़ा बड़ा चाहे नए पेज पर हेडिंग दे सकते हो, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो बताओ कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, तो आपको दो बाइफरकेशन करने हैं अच्छे से, ठीक है। युवराज भाई किताब में मिल गया, तो बताओ नाम क्या है। चलो तो किताब की जरूरत नहीं है, अब देखो किताब तो घर में खोलनी है। पहले को बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, तो एक्सपेंशन वर्ड लिखकर ए आर आई लगा देना, ए आर वाई लगा देना। तो पहले का नाम है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और दूसरे का नाम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो नाम से ही मतलब इतना इजी कर दिया आपके लिए कि आप कॉन्सेप्ट का खुद पता वैसे भी सोच के लगा सकते हो। तो दो तरह की फिस्कल पॉलिसियां होती हैं, पहली हो गई एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी हो गई कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो पहले हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में सारी कहानी लिख लेते हैं। तो पेज को ऐसा हाफ कर लेते हैं, बाकी नाम से अगर कोई आइडिया लगाना हो आपको तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या लग रहा है। किस चीज की, चलो तो मैं बता देता हूँ। देखो पहले तो मेन मुद्दा रिवाइज करते हैं, तो आखिर फिस्कल पॉलिसी का मेन पर्पस क्या होता है। जैसे अगर मान लो देश में लोगों के पास बहुत पैसा है, ठीक है, और सरकार चाहती है वो पैसा कम करना है, डिमांड कम करनी है। तो जब डिमांड कम करना चाहती है तो डिमांड कम होने को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। लेकिन अगर इसके उल्टा, इसके विपरीत, सरकार चाहती है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आए, लोग ज़्यादा खर्च करें, लोग ज़्यादा डिमांड करें, तो उस पॉलिसी को कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ पर सरकार का मोटिव होता है कि लोग ज़्यादा खर्चा करें, इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो इसमें आप लिखो कुछ छोटी छोटी बातें बिंदी डाल डाल के। पहली बिंदी, इट इज़ अ पॉलिसी मेजर
टू क्लोज अ रिसेशनरी गैप, या ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट इज डिफ्लेशन। ये पॉलिसी सरकार रिफ्लेशनरी गैप को ख़त्म करने के लिए लाती है। रिफ्लेशनरी गैप का मतलब है, या डिफ्लेशन का मतलब है, वो भी लिख लो चाहे रिवीजन के लिए, कि डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है बताओ। हाँ, डिफ्लेशनरी गैप मतलब उसका बेसिक देसी मतलब क्या होता है, कि इकोनॉमी में डिमांड कम है। जैसे आप कोविड का टाइम याद करो, कोविड के टाइम में डिमांड ज़्यादा थी देश में या कम? कम थी, है ना, क्योंकि लोगों को तब खर्च नहीं करना था, सब डरे हुए थे। तो उस तरह के सिनेरियो को हम डिफ्लेशनरी गैप या रिफ्लेशनरी गैप, रिसेशनरी गैप या डिफ्लेशन कह सकते हैं। तो सरकार ये पॉलिसी डिफ्लेशन को ख़त्म करने के लिए या रिसेशनरी गैप को ख़त्म करने के लिए लेकर आती है। अब इसमें सरकार क्या करेगी बताओ, दूसरी बिंदी। अगर सरकार को टैक्स की बात करो, पहले टैक्स बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? वेरी गुड, कम करना चाहिए, क्योंकि जब सरकार टैक्स कम करेगी तभी लोग खर्च कर पाएंगे ज़्यादा, है ना। तो इसमें लिख लो दूसरी बिंदी में, कट ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। सरकार इसमें सभी टैक्सेस को कम कर देती है, कट कर देती है, यानी कि रिड्यूस कर देती है। कट ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस। फिर सरकार को अपने ऐसे में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं वो क्या करने चाहिए? बढ़ाने चाहिए, बिल्कुल सही, है ना। तो इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार अब अपने खर्चे ज़्यादा करेगी, ज़्यादा सड़क बनाएगी, ज़्यादा ब्रिजेस बनाएगी, ताकि जितना ज़्यादा वो सरकार खर्चा करेगी उतना लोगों में, देश में कुछ ना कुछ पैसा पहुँचेगा। तो इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। और अगली बिंदी, while resorting to expansionary fiscal policy, while resorting to expansionary fiscal policy, comma, the government may run into बजट डेफिसिट्स। ये लाइन भी आपके वन नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, द गवर्नमेंट में रन इनटू बजट डेफिसिट्स। इसका मतलब है कि जब भी सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करती है ना, तो ऐसे में सरकार को बजट डेफिसिट्स हो सकते हैं। अब बताओ रीजन आप दो, क्यों हो सकते हैं? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि आपने अभी ऊपर ऊपर वाली बिंदी में अभी लिखा कि सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी। तो जब सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी, तो आपने पढ़ा था ना पिछले यूनिट में भी, कि अगर खर्चा ज़्यादा हो गया तो बजट में क्या होगा फिर? डेफिसिट। तो जब भी सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करती है तो बजट डेफिसिट होने की संभावनाएँ हो जाती हैं। तो समझ आ गया पूरा खेल? तो अगर आप ये खेल समझ गए तो मतलब मेन काम हो गया। तो ओके, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो अब ये इजी हो गया, इसका उल्टा कर देंगे। तो पहली बिंदी डाल के लिख लेते हैं, इट रिफर्स टू द डेलिब्रेट पॉलिसी, इट रिफर्स टू द डेलिब्रेट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट अप्लाइड टू curtail aggregate demand, applied to curtail aggregate demand and consequently the level of
and consequently the level of economic activity, full stop, consequently the level of economic activity, full stop. In other words, it is a fiscal policy. To eliminate, बताओ इसमें क्या एलिमिनेट करेगी सरकार? कौन सा गैप एलिमिनेट करेगी? इन्फ्लेशनरी गैप, है ना, टू एलिमिनेट इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि पहली वाली पॉलिसी में रिसेशनरी या डिफ्लेशन को कम करना है, तो इस वाली पॉलिसी में सरकार का उद्देश्य है इन्फ्लेशन को कम करना है या इन्फ्लेशन को ख़त्म करना है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड को बिल्कुल कर्टेल करना है. कर्टेल का मतलब होता है कट करना, कम करना. तो इस पॉलिसी में सरकार का उद्देश्य होता है कि डिमांड को कम करना है. है ना, तो इट इज अ फिस्कल पॉलिसी टू एलिमिनेट इन्फ्लेशनरी गैप. तो समझ आ गया कि इसमें क्या करना है सरकार को? तो इसमें बेसिकली मोटिव यह है सरकार का कि एग्रीगेट डिमांड को कम कर दो ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाए. अब एग्रीगेट डिमांड कम कैसे करेगी सरकार या इन्फ्लेशन कम कैसे करेगी सरकार? तो पहली बिंदी बताओ आप, टैक्सेस बढ़ा देगी. बिल्कुल सही, तो इंक्रीज इन टैक्सेस. तो जैसे ही सरकार टैक्सेस बढ़ाएगी तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम या आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो फिर आप कम डिमांड करोगे, कम खर्च करोगे. दूसरा क्या करेगी सरकार? अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी, डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. सरकार अपने खर्चे कम कर देगी, क्योंकि सरकार खर्चे कम करेगी तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं पैसा कम पहुंचेगा और उस वजह से भी डिमांड कहीं ना कहीं कम हो जाएगी. और फिर ये बताओ आखिरी बिंदी कि भाई कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी शुड आइडियली लीड टू क्या? स्मॉलर बजट डेफिसिट विल आइडियली लीड टू स्मॉलर बजट डेफिसिट. तो इस लाइन का मतलब हाँ, जो डेफिसिट है वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि सरकार देखो खर्चा कम कर रही है. अभी आपने लिखा ना ऊपर पॉइंट में, डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार खर्चा कम कर रही है. तो अगर सरकार खर्चा कम करेगी तो ऐसे में डेफिसिट भी क्या होगा? कम होगा. तो इसीलिए लिखा है स्मॉलर बजट डेफिसिट. तो समझ आ रहा है सारा पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी बच्चे को? तो बस ये मतलब दो प्रकार की फिस्कल पॉलिसियाँ होती है, तो इसको आप क्लोज कर सकते हो. तो ये हो गई दोनों टाइप्स की फिस्कल पॉलिसीज. इसके बाद पॉइंट नंबर 4. अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कुछ, कि भाई जो हमने ये फिस्कल पॉलिसियाँ देखी इनके अंदर जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े उन्हें एक एक करके थोड़ा सा लिखना है. तो हेडिंग का नाम हो गया इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, कि फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो लिख लो नंबर 1. तो पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है बताओ? सोचो, या मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये इंट्रोडक्शन का ये वाला पॉइंट पढ़ो.
तो मोटे मोटे कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं सरकार के? तीन, एक तो सरकार का रेवेन्यू, एक सरकार का खर्चा और एक सरकार की बोरिंग, है ना। तो इन्हीं को इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो बस पहले इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। तो सबसे पहले हम खर्चे का लिखते हैं। तो नंबर वन का नाम हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हाथ काट दिए जाएंगे दोस्त। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब तो आपको पता ही है वैसे, सरकार का खर्चा, है ना। तो यहाँ पर बस मैं ये लिखवा देता हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई जो सरकार का खर्चा है तो कौन सा खर्चा, मतलब सरकार क्या कर रही है, कौन सा खर्चा। तो इसमें आप तीन एरो बना लो इसके नीचे। तो पहला लिखना, पहले को बोलते हैं करंट एक्सपेंडिचर्स। करंट एक्सपेंडिचर्स टू मीट डे टू डे रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। टू मीट डे टू डे रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है करंट एक्सपेंडिचर कि भाई जो रोजमर्रा के खर्चे हैं सरकार के, है ना, डे टू डे खर्चों। तो डे टू डे खर्चों को बोल दिया करंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, दूसरे खर्चे कौन से हो गए सरकार के? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मोटे खर्चे। अब वो तो बहुत ही इररेगुलर होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिख सकते हो इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब सरकार ने कोई इन्वेस्टमेंट करी, कोई मशीन खरीदी, कोई कैपिटल इक्विपमेंट खरीदा, तो वो खर्चे जो हैं वो इररेगुलर नेचर के हैं, तो उनको हम बोल देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और तीसरे, युवराज भाई किताब में देख के बताओ, ट्रांसफर पेमेंट्स, वेरी गुड। तो तीसरे होते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स सरकार के। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब हो गया कि भाई वो वाले खर्चे सरकार के जो सरकार मुफ्त में किसी को दे रही है। अब भाई मान लो कहीं बाढ़ आ गई, अब वहाँ पे सरकार ने फ्री में खाना पहुँचाया या फिर मदद पहुँचा दी किसी को, तो सरकार के ये भी तो खर्चे ही हुए ना। तो इनको नाम दे दिया ट्रांसफ़र पेमेंट्स, मतलब कि डैश डाल के ऐसा लिख सकते हो विच डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू जी डी पी। बट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू GDP, है ना। तो सरकार ने कोई फ्लड विक्टिम्स को 5-5 लाख रुपए दिए, तो इससे क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र पेमेंट, है ना। तो ये मतलब सरकार के बेसिकली खर्चे हो गए जो सरकार कर सकती है। बाकी वो तो आपको पता ही है, मैं दोबारा से बस लिख रहा हूँ ओरली आपसे पूछ के कि भाई अगर सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी तो इससे इकोनॉमी में क्या होगा, पैसा बढ़ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ शॉर्ट में, तो इससे इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी, समझ गए ना लिंक के। और अगर सरकार अपने खर्चे कम करती है तो इकोनॉमी में क्या होगा, फिर एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। मतलब ऐसे लिख देता हूँ, तो ये लिंक है बेसिकली सरकार के खर्चों का। तो सरकार अगर अपने खर्चे बढ़ाएगी तो देश में डिमांड भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और सरकार अगर अपने खर्चे कम करेगी तो देश में डिमांड भी कम होगी और इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो ये भी चाहे दोबारा लिख लो, कोई नहीं, रिविजन भी हो जाएगा और याद भी रहेगा। तो सरकार के जो खर्चे हैं वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी का। सरकार अपने खर्चों के माध्यम से देश में डिमांड बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है थोड़ा सा, है ना। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसी तरह दूसरा इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है सरकार का? टैक्सेस, है ना, बिल्कुल सही। तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो गया टैक्सेस।
तो टैक्सेस में तो खैर आपको पता ही है सब कुछ, फिर भी ऐसी लिख लो, दो तरह के टैक्सेस कौन से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये तो हमने पहले भी कवर कर लिया था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और टैक्सेस के माध्यम से क्या लिंक बनता है वो भी लिख लेते हैं। अगर मान लो सरकार टैक्सेस बढ़ाती है तो फिर इससे क्या होगा, जो आपके हाथों की डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी तो फिर डिमांड भी कम हो जाएगी, बस है ना। और दूसरा भी लिखी लोगे कि अगर सरकार टैक्सेस कम कर देती है तो फिर आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, है ना, आपकी क्षमता खरीदने की बढ़ जाएगी और फिर आप डिमांड भी ज़्यादा करोगे। तो ये सरकार का हथकंडा बन गया टैक्सेस। तो सरकार इसके माध्यम से भी देश की डिमांड को बढ़ा घटा सकती है। तो इसीलिए आप देख रहे हो ना, इसीलिए फिस्कल पॉलिसी को डिमांड साइड पॉलिसी कहते हैं। तो ये डिमांड को प्रभावित कर रही है। शुरू में लिखा था ना एक पॉइंट कि फिस्कल पॉलिसी का नेचर कैसा है, डिमांड साइड पॉलिसी। तो सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी से आपकी डिमांड बढ़ा घटा सकती है। तो टैक्स बढ़ाने से डिमांड कम हो जाएगी, टैक्स कम करने से डिमांड बढ़ जाएगी। इसके बाद नंबर थ्री, तीसरा टूल, हाँ, पब्लिक डेट। पब्लिक डेट सरकार की बोरोइंग्स, पब्लिक डेट। अब पब्लिक डेट का ये तो आपको पता ही है कि ये दो तरह के होते थे, आपने पढ़ा था पिछले यूनिट में, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो उनका मीनिंग तो मैं दोबारा से नहीं लिखवा रहा, वो तो सेम ही चीज़ है, ओरली सुन लेते हैं बस। इंटरनल कौन सा, जो अपने लोगों से बोरो कर रही है ना, और एक्सटर्नल जो बाहर से बोरो कर रही है, वर्ल्ड बैंक या IMF से, है ना। तो पब्लिक डेट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। बाकी इन दोनों को कर्ली ब्रैकेट में कवर करके लिख लो इसके नीचे, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक डेट। इसके फॉर्म्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है, फॉर्म, प्रकार, कि किस रूप में पब्लिक डेट्स हो सकती है, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक डेट। तो फॉर्म्स जो हैं वो दो हैं। तो पहले को बोलते हैं मार्केट लोन्स, पहले को बोलते हैं मार्केट लोन्स, और दूसरे को बोलते हैं स्मॉल सेविंग्स। पहले को बोलते हैं मार्केट लोन्स और दूसरे को बोलते हैं स्मॉल सेविंग्स। अब ये है क्या, छोटी छोटी परिभाषाएं लिख लो मार्केट लोन्स की और स्मॉल सेविंग्स की। तो मार्केट लोन्स जो होते हैं उसका मैं पहले आपको वो याद दिला देता हूँ, पहले आप डायग्राम मतलब फिर रुक के बना लेना। मार्केट लोन्स का तो सीधा मतलब ये है कि सरकार क्या करती है, हाँ क्या करती है, हाँ मार्केट में से लोन लेती है। मार्केट मतलब वही जनता। आपको याद है एक बार एक स्टोरी सुनाई थी बॉन्ड वाली, है ना, कि सरकार लोगों से क्या लेती है, लोन लेती है, फिर उन्हें कहती है हम आपको पैसे 5 साल बाद दे देंगे, 10% इंटरेस्ट देंगे, है ना। तो सरकार जब लोगों से बोरो करती है, लोन लेती है, और उनको एक इंस्ट्रूमेंट इशू करके देती है कि भाई ये लो हम इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख रहे हैं और साइन कर रहे हैं, तो बस इस कार्यक्रम को कह देते हैं मार्केट लोन्स। तो मार्केट लोन्स का मतलब ये हो गया कि मार्केट से लोन ले रही है सरकार, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना लो बस आप, इसमें मतलब डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट लोन का मतलब है मार्केट से लोन लेना, मार्केट से लोन लेना, और बदले में उनको एक कागज का टुकड़ा देती है। ये कागज के टुकड़े को क्या बोलते हैं,
हाँ कभी कभी बॉन्ड कह देते हैं, या इसी को ट्रेजरी बिल्स भी कह देते हैं, है ना, बॉन्ड भी कह सकते हैं, मतलब कि ट्रेजरी बिल्स लिख लो या इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लिख लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली। कभी आप गवर्नमेंट बॉन्ड के नाम से जानोगे, कभी इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के नाम से जानोगे, कभी ट्रेजरी बिल्स भी कह सकते हो। तो कुछ भी है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए सरकार इशू करती है ना। तो ट्रेजरी बिल्स शायद आपने पहले भी पढ़ा हो, ये शॉर्ट टर्म लोन्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, 3 महीना और 6 महीने के लिए। अच्छा, तो ये तो हो गए मार्केट लोन्स। अब स्मॉल सेविंग्स क्या होती है वो भी लिख लो, कि भाई इट रिप्रेजेंट पब्लिक बोरोइंग्स कॉमा विच आर नॉट नेगोशिएबल एंड आर नॉट ट्रेडेड। दो बातों को ब्लॉक या हाईलाइट कर लेना, नॉट नेगोशिएबल और नॉट ट्रेडेड। अब ये मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़ क्या है, इनके एग्जाम्पल भी लिख लो, रट लेना, लेकिन लिख तो लो ही। एक लिख लो नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, कॉमा एक और लिख लो नेशनल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, नेशनल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट एटसेट्रा, है ना। तो अब देखो जी, क्या फर्क है मार्केट लोन और स्मॉल सेविंग्स में। मार्केट लोन में मैंने आपको बताया कि सरकार लोन लेती है ना, और लोगों को क्या इशू करके देती है, बॉन्ड या ट्रेजरी बिल्स या सिक्योरिटीज़। लेकिन मज़ेदार बात समझना कि ये जो सरकार ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करके देती है, ये आप किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि ये नेगोशिएबल होते हैं। भाई सरकार ने मुझे चिट्ठी दी, वो मैंने आपको बेच दी, मैंने कहा ये लो आप रख लो, आपने किसी और को बेच दी, तो ये ट्रेडेबल्स होते हैं, आप इनको ट्रेड कर सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या कर सकते हो, आप खरीद बेच सकते हो, है ना, ये नेगोशिएबल होते हैं। लेकिन जब सरकार आपसे पैसा लेती है और आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दे देती है कि भाई ये आपका पैसा आपको 10 साल बाद मिलेगा ब्याज के साथ, लेकिन वो चिट्ठी आप क्या नहीं कर सकते बताओ, ना तो किसी को दे सकते ना खरीद बेच कर सकते उस चिट्ठी की, तो वो स्मॉल सेविंग्स हो गए। तो ये एक मूल फर्क हो गया सरकार के मार्केट लोन और स्मॉल सेविंग्स में। तो सरकार लोन तो दोनों में ले रही है, मतलब पैसा तो दोनों में ले रही है, लेकिन फर्क क्या है कि भाई इसमें आप उस चिट्ठी को ट्रेड कर सकते हो, किसी को दे भी सकते हो, लेकिन उसमें नहीं दे सकते। तो उसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो आप सरकार को पैसे देते हो, सरकार एक आपको सर्टिफिकेट देती है कि भाई 10 साल बाद आपके पैसे मिलेंगे वापस विद ब्याज, लेकिन आप इस चिट्ठी को ट्रेड नहीं कर पा सकते, आप किसी और को नहीं बेच सकते। तो समझ गए। अच्छा, बाकी पब्लिक बोरिंग का एक वो लिख लेते हैं भाई, जब सरकार बोरो करती है तो होता क्या है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर सरकार मान लो पब्लिक डेट रेज करती है ना, तो उससे क्या होगा, मान लो कि पब्लिक डेट बढ़ रहा है, सरकार ने पब्लिक से लोन ले लिया, है ना, ये सोचो, ये इधर कि मान लो सरकार लोगों से लोन ले रही है, लोन ले रही है, लोन ले रही है, तो इससे लोगों के पैसे क्या होंगे, कम हो जाएंगे, तो इससे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये लिंक लिख लो बस। तो जब भी सरकार बोरिंग ज़्यादा करती है, पब्लिक डेट ज़्यादा बढ़ाती है, तो उससे डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वाइस वर्सा बस। और पब्लिक डेट अगर कम करती है सरकार, मतलब रीपेमेंट कर देती है,
या लोगों के पैसे वापस कर देती है, तो फिर डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली पब्लिक डेट जो हथियार है वो इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गई तीनों बातें, तीन मेन इंस्ट्रूमेंट्स ओके हो गए और इनका टूल का वो भी समझ आ गया कि कैसे होता है ना। अच्छा।